हॉलैंड के शहर रोटरडम में हमारे तुर्क आशिकाने रसूल की बनाई गई इस आलीशान और खूबसूरत सी मस्जिद में हम हाजिर हैं। दावत इस्लामी का सुन्नतों पर इज्तिमा जारी है। नमाज हर अकल बालिग मर्द औरत पर फर्ज है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नमाज की हिफाजत करे उसके लिए नमाज कयामत के दिन नूर, दलील और नजात होगी। जो नमाज की हिफाजत ना करे वो कयामत के दिन फिरौन, कारून, हामान और उबई बिन खलफ के साथ होगा। तो जो हुकूमत की मजबूरियत के सबब नमाज नहीं पढ़ेगा उसका हशर फिरौन के साथ होगा। जो दौलत के बाइस नमाज तर्क करेगा तो इसका कारून के साथ हशर होगा। अगर तर्क नमाज का सबब वजारत होगी तो फिरौन के वजीर हामान के साथ हशर होगा। और अगर तिजारत की मसरूफियत की वजह से नमाज छोड़ेगा तो उसको मक्का मुकर्रमा के बहुत बड़े काफिर ताजिर उबई बिन खलफ के साथ बरोज़े क़यामत उठाया जाएगा। हमारी तो ख्वाहिश है कि हमें अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के साथ उठाए। अमीर आदमी, दौलतमंद आदमी बाज़ों का बेबाक हो जाता है, गुनाह की तरफ दौड़ता है, इसको जो चाहिए वो मुहैया कर लेता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में छोटी छोटी मस्जिदें बन, प्रोडक्शन हॉल बहुत बड़ा होता है, सब कुछ बहुत बड़ा होता है, लेकिन मस्जिद बहुत छोटी होती है। वो मस्जिद में क्या बनाते हैं, कोई स्टोर उस्टोर खाली कराकर बोलते ये नमाज की जगह, चलो तो इनकी मेहरबानी की नमाज की जगह तो बना दी इन्होंने। सेठ साहब को शेर याद होगा, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो सेठ साहब को अगर माइक मिले तो सेठ साहब सारे शेर से अपनी तकरीर का आगाज करेंगे, मगर सेठ साहब गरीब मजदूरों के साथ जमा से नमाज ही पढ़ेंगे। तो ए हुकूमत के मसरूफ लोगों, ए वजीरों, ए शरीरों, ए ताजिरों, ए मालदारों, ए गरीबों, आओ सब नमाजी बन जाए। बा होश हवास हमारी कोई नमाज छूट जाए, ये कैसे हो सकता है यार? यानी नमाज कजा हो गई है यार, नमाज कजा हो गई है। फजर का वक्त शुरू हुआ और अल्लाह के बंदे को सोता रह गया यार, और उठने के बाद ही परवाह हुई कि मेरी नमाज चली गई। आपके ऑफिस चली गई, ठीक उठोगे। बच्चे की स्कूल चले गई, ठीक उठोगे। ट्यूशन चला गया, ठीक उठोगे। पैसे कट गए, ठीक उठोगे। जॉब चली गई, ठीक उठोगे। फ्लाइट चली गई, ठीक उठोगे। ट्रेन चली गई, ठीक उठोगे। बस चली गई, ठीक उठोगे। अगर आपकी नमाज चली गई, आपकी सेहत का फर्क ही नहीं पड़ा। खुदा का खौफ नहीं है, खुदा का खौफ नहीं है। पूरी रात अल्लाह की नाफरमानियां करते हो, मौसिन अजान देता हैया अला सला हैया अला सला, और ऊंधे मुंह सो गए। कब्र में आग लग गई, कब्र में सांप बिच्छू आ गए, या बेनमाजी पर कब्र में गंजा सांप मुसल्लत कर दिया गया, जो एक नमाज के बाद उसी नमाज तक कजा होने वाली नमाज के उसमें एक डंक मारेगा, मुर्दा सत्तर के जमीन के अंदर चला जाएगा। नमाज के बारे में खुद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज यूं पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। आइए दावत इस्लामी चल चल कर आपके पास आ जाओ, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में चिप जाओ, दावत इस्लामी के मदनी माहौल के अमली मुबल्लिग बन जाए हम लोग, नेकी की दावत अमली तौर पर देने वाले बन जाए हम लोग। ये आशी के रसूल समझता क्यों नहीं है किसके साथ हो क्या रहा है, कहीं हमारे अंदाज से। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो वो दिन आ रहे हैं कि अब तो विजय देखे तो आपको भी मजा नहीं आना चाहिए। मेरे आका की बारहवीं आ रही है, खुशियों का वेला आ जाएगा, मेरे आका के मिलाद का महीना आ जाएगा, और इंशाल्लाह ये होलैंड के भी आशिका ने रसूल अपने घर को सजाएंगे। मेरे आका का जश्न विलादत, हमारे नबी का जश्न विलादत है, हम नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा? हैं? आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, सिक्का नया चलेगा, आलम निरंग बदला देखो, आलम निरंग बदला, सुबह शबे मिला। या रहमर रहीमीन, या रहमर रहीमीन, या रहमर रहीमीन, हमारे हमारे माँ बाप की सारी उम्मत की मगफिरत फरमा, हमारे सारे गुनाह माफ कर दे।
تو فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. ہم دعا کر رہے ہیں تو اس سے تو قبول کر لے. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام, شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام, سنت کی بہار